जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बवाल हो गया है देश के अंदर ना, कांग्रेस बीजेपी लड़ाई हो रही है। सब लोगों को लग रहा है, एक आम आदमी को लग रहा है कांग्रेस गलत कर रही है या बीजेपी गलत कर रही है, और बीजेपी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में होने का नाजायज फायदा उठा के कांग्रेस को परेशान कर रही है। कांग्रेस वाले यही बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भैया आपने गलत किया तो भुगतो। तो भैया सबसे पहली बात देखो, मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस गलत है या बीजेपी गलत है। मैं प्लानिंग करवा सकता हूं, टैक्स इवेजन को प्रमोट नहीं करता, ठीक है? तो हम टैक्स के बारे में क्या जानते हैं कि जो उन्होंने गलत किया कांग्रेस ने, और कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने उसको यूज किया उनके अगेंस्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूज। चलिए जी, देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये पूरी पिक्चर है क्या, आखिर ये बवाल स्टार्ट हुआ क्या। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 13A। वो क्या कहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के एक सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और सेक्शन 13A की एग्जेम्पशन लेनी है, वो क्या कहता है सेक्शन 13A, द फॉलोइंग इनकम डिराइव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग इट्स टोटल इनकम। क्या क्या है? इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज से कोई इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, कोई डिविडेंड की इनकम आ रही है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन, मतलब डोनेशन किसी भी तरीके की किसी भी बंदे से अगर आ रही है, कैपिटल गेन्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज, अगर कुछ भी बेचा और उससे प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, वो इनकम है ही नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं देना, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब आपने एक पॉइंट नोट किया, यहाँ पे बिजनेस इनकम नहीं लिखा हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस, उनको कोई बिजनेस करने की परमिशन है ही नहीं। तो अगर बिजनेस किया उन्होंने तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम सिर्फ ये है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और इनके ऊपर भी टैक्स तब नहीं लगेगा जब आप ये कंडीशन फुलफिल करो। अच्छा जी, अब ये कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस क्या हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सच बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए कि असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो प्रॉपरली इनकम को देख पाए कि आपकी इनकम कितनी, ठीक है जी? अगर आपने किसी से 20,000 रुपए से ऊपर की वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन यानी कि डोनेशन ली, तो आपको मेंटेन करना है एक रिकॉर्ड सच कंट्रीब्यूशन का आपको रिकॉर्ड रखना है। अकाउंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आर ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करके इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल करवाई हो। 2,000 रुपए से ऊपर की डोनेशन कैश में नहीं होनी चाहिए, मतलब अकाउंट पे ही चेक से होनी चाहिए, कैश डोनेशंस आर नॉट अलाउड। ट्रेजरर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है अंडर दिस सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और उसको सबसे पहले सेक्शन 29A के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, फिर उसकी ये चार इनकम्स एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड ये सारी कंडीशंस वो फुलफिल करे। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करेगी तो हम पॉलिटिकल पार्टी को सारी इनकम्स जो एग्जेम्प्ट करते हैं वो स्टेटस से बाहर निकाल, मतलब कि अगर उसने इन सब रूल्स को फॉलो नहीं किया, ये 5 पॉइंट फॉलो नहीं किए, तो हम उसको एग्जेम्पशन नहीं देंगे और उससे 30% टैक्स ले। अब कांग्रेस ने क्या गलती की है यहाँ पे दोस्तों, देखो अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरिए से देखना है, अपने लोगों को कोई पार्टी के नजरिए से नहीं देखना कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है या ये अच्छी है या वो अच्छी है, ठीक है? 1994-95, 2007, ये दो ऐसे केस हैं जब शायद बीजेपी रूलिंग पार्टी नहीं थी। इन 2 सालों के केस भी कांग्रेस के चल रहे हैं इनकम टैक्स, इन 2 सालों के केस भी चल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कांग्रेस, तो इसमें कहां से बीजेपी का रोल आता है? तो इसमें कोई बीजेपी का रोल है ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा। इनकम टैक्स, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अगर अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने यूज करके इस टाइम पे वो खुलवा दिया है, लेकिन ये केस तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो अगर कुछ गलत कर रहे हो तो भैया देखो, फिर वो चीज तो गलत ही है ना? आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, हुआ कैसे, इनको शक कैसे हुआ? अब हुआ क्या, इन्होंने कुछ कांग्रेस के ऑफिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने छापामारी करी, तो वहां पे कुछ दस्तावेज ऐसे पाए जहां पे उनको शक हुआ है कि कैश में डोनेशंस मिली हैं। ऑल्दो अभी क्लियर पिक्चर हमारे पास नहीं आई है, कैश में डोनेशंस मिली है, प्लस 2,000 रुपए से ऊपर की डोनेशंस मिली है, और 20,000 रुपए से ऊपर की डोनेशंस जिनसे मिली है, चाहे वो अकाउंट पे ही चेक से ही क्यों ना मिली हो, उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जानने वाली बात क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 80GGB और 80GGC,
वो कहता है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस दी है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में हम इनकम टैक्स उस इनकम पे नहीं लगाएंगे और आपको उस पे डिडक्शन दे देंगे, उस पैसे पे आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। जो पैसा आपने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया है उस पे आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ योर इनकम। जितनी आपने, अगर आपने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई है और 10 लाख रुपए की ही आप पूरी की पूरी डोनेशन दे देते हो तो आपकी जीरो इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ये 10 लाख की 10 लाख आपकी एग्जम्प्ट है और आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। मान लो आप इनकम तो कमा रहे हो 10 लाख और डोनेट कर रहे हो 20 लाख रुपए, तो दैट इज नॉट अलाउड। अब जो मेरे लिए एक क्वेश्चन है, जो मेरे दिमाग की उपज है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं पहले ही एक बात बोल रहा हूं दोस्तों, ये मैटर है 1994-95 का, 2007-08 का और 2021-19-14-15 से शायद 20-21 या 22-23 तक का है। ये काफी सारे साल हो गए, यहाँ पे 14-15 से 20-21 सारे सालों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इनका पॉलिटिकल पार्टी की एग्जम्पशन हटाई जाती है, अगर ये एग्जम्पशन हटाई गई, एग्जम्पशन इनको नहीं दी, तो जिसने डोनेशन दे रखी है, ये एक बंदा है जिसने डोनेशन दे रखी है, क्या इस डोनेशन देने वाले की जो डोनेशन उसने एग्जम्प्ट कराई थी, डिडक्शन ली थी, क्या वो डिडक्शन पे भी सवाल उठते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको भी ये क्वेश्चन जस्टिफाई लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या गवर्नमेंट को ऐसा कोर्सिव एक्शन लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, अगर आप मेरे कमेंट की वेट कर रहे हो तो। बाकी मैं आप लोगों के जवाब भी इस मैटर पे सुनना चाहूंगा। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में दलील इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि भैया देखो, हम जब तक इलेक्शन चल रहे हैं तब तक कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते, तब तक हम कोअर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। कोअर्सिव एक्शन क्या होते हैं, आइए वो भी जानते हैं। कोअर्सिव एक्शन का मतलब ये है जबरदस्ती, हम जबरदस्ती आपसे अभी टैक्स नहीं लेंगे, हम आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जुलाई 2024 तक। अगली डेट है शायद जुलाई 2024 में ही डेट आ रही है। जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो चुके होंगे, कोई ना कोई पार्टी रूलिंग पार्टी बन चुकी होगी, तो जुलाई 2024 में डिसाइड करेंगे कि क्या करें। जुलाई 2024 तक हम आपको फ्री छोड़ते हैं। लेकिन क्या बैंक अकाउंट फ्रीज हटा? मेरे ख्याल से तो नहीं हटा। बाकी कुछ और न्यूज आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि अभी तक हमारे पास भी पूरे फैक्ट्स नहीं है। जितने फैक्ट्स हमारे पास थे उतना हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने कमेंट्स जरूर देना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.